हेलो गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू कॉम्पिटेटिव पाठशाला। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम की डेट बहुत ही नज़दीक आ चुकी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये राइट्स की प्रैक्टिस टेस्ट पेपर है। तो गाइस, ये मॉडल टेस्ट पेपर नहीं है, हमारी टीम भी मॉडल टेस्ट पेपर ऑलरेडी प्रिपेयर कर रही है, तो वो भी हम लेके आएंगे। लेकिन ये एक सैम्पल टेस्ट पेपर है जो कि राइट्स की द्वारा ऑफिशियल, ये उन लोग के द्वारा मॉक टेस्ट अपलोड की गई है। तो पेपर कुछ इस टाइप का हो सकता है। और यहाँ पर आइए, देखा जाए कि इंस्ट्रक्शन ने इन लोगों ने क्या दिया है। तो इंस्ट्रक्शन में जो कि लिखा हुआ है कि दिस इज़ अ मॉक टेस्ट विच इज़ जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द एग्जाम इंटरफेस एंड द टेस्ट डिलीवरी सिस्टम। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस शुड दिस बी प्रिज्यूम एज अ सैम्पल पेपर। कंटेंट्स टाइमिंग आर फॉर सैम्पल ओनली एंड एक्चुअल कंटेंट विल बी डिफरेंट ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। आइए, तो ऊपर में जो बोला गया है कि आप इसे सैम्पल पेपर ना पकड़ लें, या ऐसा ना समझे कि यहाँ पे जो टाइमिंग दिया गया है सेम टाइमिंग वहाँ पे रहेगा। तो वो सारे डिटेल्स मैंने आपको ऑलरेडी अपने पहले के वीडियो में दे रखा है। तो अगर वो सारा सिलेबस और क्या क्वेश्चन होंगे, कितने टाइमिंग होंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक्स ओपन करके पुराना वीडियो देख लीजिए। और आइए, यहाँ पे और क्या लिखा है कि ये अबाउट क्वेश्चन पेपर। तो जैसे दिया गया डिटेल्स, द लैंग्वेज ऑफ एग्ज़ाम जो कि इंग्लिश और हिंदी में होगी, मैंने आपको बोल रखा है ऑलरेडी। चार ऑप्शन रहेंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे पहला बात। और यहाँ पर दिया गया है कि द क्वेश्चन कैन बी आंसर इज एनी ऑर्डर ऑफ द कैंडिडेट मे विश। तो आप रैंडमली क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पहला क्वेश्चन करने के बाद दूसरा क्वेश्चन ही आपको अटैम्प्ट करना है, कि आप उसको पहला या लास्ट क्वेश्चन जैसे भी आपको अटैम्प्ट करने की इच्छा करें आप वैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। फिर आपका जो इंटरफेसिंग है वो सारा दिया गया। द कैंडिडेट मे आस्क द इनवैलिडेटर देयर डाउट। सो जो बेसिक आपका जो कंडीशन है वो सारा कुछ यहाँ पे बताया गया है। तो रफ वर्क्स नीड टू बी डन ऑन रफ सीट। तो रफ सीट आपको प्रोवाइड की जाएगी, तो उन लोग के द्वारा ही प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद आपका बेसिक डिटेल्स दिया गया अबाउट आंसरिंग द क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू आंसर द क्वेश्चन, जो आप बेसिक क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। अगर सबसे पहली बात कि ये एग्ज़ाम TCS नहीं करवा रही है, ये एग्ज़ाम आपका कौन सी एजेंसी करा रही है तो नहीं पता, लेकिन TCS नहीं करा रही है, क्योंकि इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम का इंटरफेसिंग बिल्कुल ही डिफरेंट है TCS से। तो ये तो श्योर हूँ कि ये TCS नहीं करवा रही है। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन बुकमार्क करने का ऑप्शन दिया जा रहा है, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा गया यू कैन बुकमार्क अ क्वेश्चन टू रिव्यू बिफोर सबमिटिंग। तो सपोज़ आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, बाद में अटैम्प्ट करना चाहते, तो आप उसे बुकमार्क करके रख सकते हैं, बाद में उसे आप रिव्यू के समय देख के फिर उसे आप सबमिट कर सकते हैं। ये बेसिक डिटेल्स यहाँ दी गई है। और उसके बाद आपका सबमिशन का दिया गया यहाँ पे, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा भी गया है कि द आंसर आर सेव व्हेनेवर द कैंडिडेट नेविगेट्स एग्जांपल बाय क्लिकिंग नेक्स्ट और प्रीवियस। अब नेक्स्ट करने से ऑटोमेटिक आंसर सेव हो जाएगी अगर आप आंसर मार्क करके रखे हैं। तो द कैंडिडेट कैन मेक चेंज, बाद में आप चेंजेस भी कर सकते हैं। उसके बाद आप स्क्रीन स्विच कर सकते हैं। फिर जो टाइम दिया रहेगा, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 150 मिनट्स द कैंडिडेट विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन और चेक देयर आंसर, द आंसर ऑफ द कैंडिडेट वुड बी सेव ऑटोमेटिकली बाय द कंप्यूटर सिस्टम। तो उसके बाद आपको थैंक यू मैसेज एक आ जाएगी, ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। तो ये सारा कुछ दिया गया और कुछ आपका ये प्रोटोकॉल दिया गया, तो ये सारा कुछ आप पढ़ लीजिएगा। मैं डायरेक्ट सैम्पल में चलता हूँ। तो आइए देखा जाए कि यहाँ पे किस तरह के इन लोगों ने इंटरफेसिंग बनाया और किस टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, दो यहाँ पे बोला गया है कि ये सैम्पल पेपर नहीं है, लेकिन एक लगभग आपको उनके एग्जामिनर का या जो भी एक सोचने का तरीका आपको पता चली जाएगा इनके इस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट से। तो इसलिए ये मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हमेशा की तरह। तो आइए देखा जाए, तो यहाँ पे सिर्फ 15 क्वेश्चन दिया गया और 30 मिनट्स का टाइम दिया गया। तो मैं ओपन करता हूँ इसे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपको एग्ज़ाम में कुछ इस तरह के इंटरफेसिंग मिलेंगे। तो याद रखिएगा, कुछ इस तरह के इंटरफेसिंग आप लोग को एग्ज़ाम में दी जाएगी। आपके लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कि आंसर पैलेट है और राइट हैंड साइड में क्वेश्चन दी जाएगी। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि क्वेश्चन बुकमार्क कर सकते हैं, अगर आपको नहीं आती है जो आए पहले उसे आंसर कर लीजिएगा। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज टू रन वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। तो जैसे कि आप सभी को पता है इसका आंसर, फिर भी मैं आपको बता दूं कि किसी भी अप्लायंसेस को रन करने के लिए आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा। तो आइए उसे मार्क करके नेक्स्ट किया जाए। तो अगला जो क्वेश्चन है, अंडर विच कंडीशन विल द लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन बी प्रोड्यूस। तो याद रखिएगा, इसका आंसर होगा एन एरोबिक। तो याद रखिएगा, साइंस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हमारी टीम ऑलरेडी 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के MCQ के क्वेश्चन लेके आएंगे, तो उसे ज़रूर देखिएगा। और जो भी 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग ने बनाए, वो सारे वीडियो को आप ज़रूर देख के जाइएगा, चाहे फास्ट फॉरवर्ड मोड में देखिए, लेकिन उसे देख के जरूर जाइएगा, क्योंकि वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और जनरली जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं वो सारे क्वेश्चन हैं। तो अगर आप
चाहते हैं कि अभी समय नहीं है कि सारा कुछ आप पढ़ सकें, तो अगर आपकी प्रिपरेशन किसी पर्टिकुलर सेक्शन में अगर नहीं अच्छी है तो कम से कम एटलीस्ट वो क्वेश्चन सारे देख के जाइएगा और एक दो बार पढ़ के उसे रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको PDF चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए हमारे। तो इसका आंसर एनएरोबिक होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट्स आर बायोटिक। तो याद रखिएगा, बायोटिक का मतलब होता है कि जो भी चीज़ लिविंग थिंग्स होते हैं, और एबायोटिक का मतलब होता है कि नॉन लिविंग थिंग्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा लोटस होगा, क्योंकि यहाँ पे यही एक लिविंग थिंग्स होता है। रेनफॉल, टेम्परेचर, सॉयल्स एंड मिनरल्स ये नॉन लिविंग थिंग है, तो ये सारे एबायोटिक के एग्जाम्पल याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज स्प्लिट बाय हाई एनर्जी यूवी रेडिएशन। तो जो भी यूवी रेडिएशन रहते हैं उससे एक मॉलिक्यूल्स किस पर्टिकुलर पार्टिकल में स्प्लिट हो जाते हैं और उसके बाद ओजोन बनते हैं। तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन में स्प्लिट होते हैं उसके बाद ओजोन बनते हैं। तो सम पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड इवॉल्व अ लोकल सिस्टम ऑफ कैनल इरीगेशन कॉल्ड कुल्स। व्हाट डज अ कुल मीन? तो एक्चुअली जो कुल होता है ये इन लोग का ट्रेडिशनल सिस्टम इरीगेशन करने का हिमाचल प्रदेश का। तो याद रखिएगा, हार्वेस्टिंग ऑफ फ्लावर वाटर इंटू द पॉन्ड्स होता है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। और व्हाट इज़ अ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड? तो इसका आंसर आप एक बार देख लीजिएगा खुद से भी, मुझे जहाँ तक याद है शायद इसका आंसर 1.63 होना चाहिए। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ लैक्टिक एसिड? तो इसका आंसर होगा कर्ड, जो आपका नेचुरल सोर्स है लैक्टिक एसिड का, क्योंकि जो भी दूध से रिलेटेड कुछ भी होता है तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे कर्ड में पाया जाता है। तो यहाँ से और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि टोमेटो में कौन सा एसिड होता है, विनेगर में कौन सा होता है। तो ये सारे के ही हम लोग जो 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर सारे क्वेश्चन ही रहेंगे, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टूवर्ड्स ओविलस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉपिक मूवमेंट? तो याद रखिएगा, ये केमोट्रॉपिज्म, इसे केमोट्रॉपिज्म बोला जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डिकम्पोजेस रैपिडली बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? तो याद रखिएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली बायोडिग्रेडेबल, मतलब जो भी एक ऐसा चीज़ है जिसे जिसे मतलब समझिए कि ख़त्म किया जा सके। मतलब ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक जो है वो कभी डिग्रेडेबल नहीं है, वो कभी लुप्त नहीं हो सकती है। उसका फॉर्म चेंज हो सकता है लेकिन लुप्त नहीं हो सकती है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को ही डिग्रेड कर सकती है, बाद बाकी को नहीं कर सकती। तो इसका आंसर होगा बायोडिग्रेडेबल। उसके बाद अगला क्वेश्चन आइए देखा जाए, जो कि अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर इज यूज टू सेंस द टेस्ट ऑफ फूड? तो याद रखिएगा, ओलफैक्ट्री रिसेप्टर रहते हैं हमारे टंग में, तो जिसके हिसाब से हम लोग उसे अपना ये क्या टेस्ट कर जो भी होता है टेस्ट समझ सकते हैं हम लोग फूड का। तो यहाँ पे आंसर ओलफैक्टरी रिसेप्टर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी व्हाट इज़ द शेप एंड कलर ऑफ द सेफ्टी साइन वार्निंग? तो अगर आप इंडस्ट्री में काम किए होंगे तो आपने देखा होगा कि बहुत जगह वहाँ पे वार्निंग साइन लिखा रहता है। तो वो किस कलर में रहता है, किस शेप में रहता है? तो अगर आपको याद हो तो वो ट्रायंगल के शेप में होता है। तो जो कि यहाँ पे थर्ड नंबर ऑप्शन देख सकते हैं, ट्रायंगल विथ ब्लैक एजिंग एंड येलो बैकग्राउंड। तो ये इंडस्ट्रियल सेफ्टी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसके ऊपर आप देख के जरूर जाए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ज़्यादा ही आएंगे। तो उसका करेक्ट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, इन इंजीनियरिंग मेजरमेंट 1 इंच इक्वल टू डैश सेंटीमीटर? तो याद रखिएगा, 1 इंच जो आपका होता है वो 2.54 सेंटीमीटर होता है, अगर सेंटीमीटर में पूछे। अगर मिलीमीटर में पूछे तो इसका करेक्ट आंसर होगा 25.4 मिलीमीटर, जो कि करेक्ट आंसर ए होगा। तो आप कन्वर्सन देख लीजिएगा एक बार। अ माइक्रोमीटर हैज़ अ नेगेटिव एरर ऑफ 0.03 मिलीमीटर। व्हाट इज़ द करेक्ट रीडिंग व्हेन द माइक्रोमीटर मेजर 21.39 मिलीमीटर? तो याद रखिएगा सबसे पहले कि अगर कहीं भी नेगेटिव एरर बोली जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि नेगेटिव एरर मतलब कम गई, वो पर्टिकुलर लेंथ कम है उतना, तो उसे नेगेटिव एरर करके बताया जाता है। अगर आप इंडस्ट्री में काम किए होंगे, कभी भी आप इंडस्ट्रियल में कुछ भी अगर लेंथ रिलेटेड अगर काम करते होंगे तो वहाँ पे आपको पता होगा कि नेगेटिव एरर क्या होती है और पॉजिटिव एरर क्या होती है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे 29.39 मिलीमीटर में आपको 0.03 ऐड कर देना होगा, जो कि आपका डी नंबर ऑप्शन सही होगा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, इन अ कॉम्बिनेशन सेट विच पार्ट इज़ यूज टू सेट अ रिक्वायर्ड एंगल? तो याद रखिएगा कि हम लोग कभी भी एंगल, या अगर आप किसी प्रोफेशनल डिग्री किए होंगे तो वहाँ पे आपको पता हो गया, आप HS लेवल पे भी देखे होंगे इंटरमीडिएट लेवल पे, कि हम लोग जनरली प्रोटेक्टर यूज़ करते हैं। तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन प्रोटेक्टर होगा। कुछ भी एंगल रिलेटेड अगर हम लोग को कुछ भी एंगल सेट करना, कुछ भी करना, तो हम लोग प्रोटेक्टर यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन सी होगा। लास्ट क्वेश्चन जो है,
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्परेटर। तो जैसे आप सभी को पता है कि कॉम्परेटर जनरली आपका जो भी होता है, मतलब किसी चीज़ को हम लोग कंपेयर करते हैं। तो जैसे अगर हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से बात करें तो वहाँ पे एक ऑप एम्प होता है जो कंपेयर करने के यूज़ में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर ना आपका ऑप्टिकल प्रोजेक्टर होगा, ना वर्नियर माइक्रोमीटर होगा, ना वोर गेज होगा। इसका करेक्ट आंसर आपका होगा डिजिटल माइक्रोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। तो ये करेक्ट आंसर होगा। तो ये रहा सारा क्वेश्चन जो राइट्स की तरफ से एक मॉक टेस्ट में दी गई थी। तो मैं इसे सबमिट करता हूँ, मैं फिनिश करता हूँ। तो ये रही, तो यहाँ तो आपको रिज़ल्ट नहीं दिखाया जाएगा, बस आपको ऐसा एक थैंक यू मैसेज दे दिया जाएगा। तो देखिए मैं आपको बोल देता हूँ, ये तो मॉक टेस्ट की पेपर ही, तो जो भी इंपॉर्टेंट हम लोग 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रहे हैं उसे प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ट्रेडिशनल जीके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो उसे बार बार पढ़िए, बार बार पढ़ के उसे याद कर लीजिए। और जो लास्ट हम लोग ऑलरेडी हिस्ट्री ज्योग्राफी और आपका पॉलिटिकल साइंस डाल चुके हैं, अभी हम लोग 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के डालने जा रहे हैं, उसके बाद एक मॉडल पेपर हम लोग लेके आएंगे। तो वेट कीजिए, आपको 1 से 2 दिन के अंदर दोनों चीज़ ही मिल जाएंगी। और तब तक हम लोग ये मॉक टेस्ट का जो लिंक है ये भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको ही मॉक टेस्ट की लिंक भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और आशा करता हूँ कि आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, तो तैयारी अच्छे से कीजिए और पेपर ईजी होगी, लेकिन थोड़ी सी लॉजिकल रहेंगे, तो थोड़ा सा आंसर देते समय ध्यान रखिएगा। तो आशा करता हूँ कि सारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हो, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट करके बताइए, कुछ फीडबैक हो तो बताइए, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट क्लास तो करते ही नहीं है कि आपका फीडबैक मिल पाए। तो प्लीज़ हमें कमेंट करके फीडबैक बताइए, अगर आप वीडियो देखते हो तो कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, जो भी लगा आप फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट करके। लाइक डिसलाइक भी आप कर सकते हैं, टोटली आपके ऊपर है, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ना पसंद तो डिसलाइक भी कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर। और अगर नए पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे संग, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद दोस्तों।